दोस्तों से विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नई ट्रिप पे। ठीक है, काफी अच्छा रहा सफर। ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है भाई, सफर नहीं अच्छा। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, छोटू के रिएक्शन देखते हैं। तुम कहाँ जाए? मैं ट्रैक बाजार कर रहा। मैं भी जाऊंगा। धन्यवाद भाई, कैलाश पहाड़ी। सुबह के करीब 7 बज रहा है और हम लोगों की तैयारी हो गई है घर निकलने की। बाकी अभी दीपक भाई, ऋतिक ये लोग हाथ मुंह धो रहे हैं, फिर हम लोग भी निकलते हैं घर को। बाकी यहाँ सामने से भी जो चतुर्थ किधर है रुद्रनाथ जी, वहाँ का रास्ता भी जस्ट यहाँ सामने से भी है और यहाँ पीछे थोड़ा यहीं बगल से भी ऊपर रुद्रनाथ के लिए रास्ता जाता है। बाकी इस बार भी सोच रहे थे हम रुद्रनाथ जाने का, पर फिलहाल प्रोग्राम ऐसा कुछ बन ही नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग भी घर निकलते हैं। घर निकला हो। फिर एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देव उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंडल गोपेश्वर से। बाकी हम लोग कल रात के लगभग 10 बजे यहाँ पे पहुंचे और हम लोगों ने स्टे किया इस वाले होटल में। अभी सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग भी इस वाली जगह से निकल रहे हैं अब घर के लिए। लोग जा रहे हैं इस वाली गाड़ी में घर के लिए। देखिए जी, पहाड़ों में ऐसी गाड़ियों में पीछे बैठना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि पीछे उल्टियाँ होती हैं। अब हम लोग भी निकल चुके हैं घर के लिए और बाकी आज के बाद सभी लोग अपने अपने घर को निकल जाएंगे। और अभी हम लोग निकल रहे हैं सगर गाँव से। फाइनली हम लोग भी पहुंच चुके हैं चोपता वैली में। यहां से मेरे घर का सफर मुश्किल से 1.5 घंटा रह गया है। और यहां से आजकल यहां पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा है, लगभग नहीं भी होंगे तो पूरी जो चोपता लाइन है वहां पे गाड़ियों की ना गाड़ियां तक लगाने की जगह नहीं है, मतलब इतना क्राउड है। वैसे हम लोग इस वाली गाड़ी में जा रहे हैं और ये गाड़ी रांची से है। बाकी सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे ऋतिक भाई, दीपक भाई और कैलाश पहाड़ी। और इस वाले रूट से जो तृतीय केदार है, तुंगनाथ महादेव का टेंपल इस जगह है और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है ऊपर टॉप के लिए चंद्रशिला तुंगनाथ महादेव के लिए। कि इस वाली जगह से अपना गांव भी दिखना स्टार्ट हो गया है। लोगों ने ब्रेकफास्ट कर दिया है और बाकी अब निकलते हैं आगे के लिए। मैं भी पहुंच चुका हूं मस्तूरा और बाकी इन लोगों का सफर यहां से रांची तक है और मेरा सफर यहीं तक है। बाकी इन सभी लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नई ट्रिप पे। ठीक है, काफी अच्छा रहा सफर। ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है, तो मैं भी वैसे ना मस्तूरा से ऊपर अपने घर को निकल गया था और ये लोग भी निकल गए थे आगे, पर तभी तक मुझे कुछ याद आ गया। वैसे मेरे जो पिछले जो ब्लॉग रांची से काथनी टॉप तक जो ब्लॉग मेरे पूरे इरेज हो गए थे, वो ब्लॉग के कुछ क्लिप मैंने ऋतिक से लेने थे और तब जाके वो ब्लॉग मैंने आप लोगों तक पहुंचाने हैं, तो इस वजह से इनको उखी मठ से ना फिर वापस आना पड़ा, क्योंकि आफत फिर दोबारा कर दी यहाँ आने की। आफत नहीं, वो ज़रूरी काम था ना। अरे क्या करें, अब भी ब्लॉग पहला ब्लॉग जो है वो ही था, तो मैंने कहा यार अब इसके बिना कैसे करके होगा, तो फिर आगे वो हमारा काम ना सारा कुछ जो क्लिप वगैरह लेने था वो हो गया है। बाकी ये लोग तो यहाँ रुक भी नहीं रहे और इन लोगों को बोल भी रहा हूँ कि खाना खा के चले जाओ, कोई बात नहीं, रुकना नहीं है तो चले जाओ, खाना खा के चले जाओ,
बाकी उसके लिए भी तैयार रहेंगे। हाँ, आएंगे आप किसी दिन फुर्सत में। एक बार ये है कि आप घर के लिए रास्ता लग गए तो घर ही पहुंचेंगे एक बार। ये हमारे फूड ब्लॉगर जो हमारे फूड ब्लॉगर है फिर एक बार पाँव मोड़ गया ना, हो गया पाँव। चलो ठीक है, जब तुमने आ रहा ही नहीं है तो ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, अब देखो लगभग मैं भी घर पे पहुंच ही गया और अब घर पे देखते हैं छोटू के रिएक्शन। देखते हैं छोटू के रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं भी घर पे आ रहा हूँ। अरे मुझे पहचान ही नहीं रहा। पॉले कर जा। प्रणाम, कैसे हो पापा? हाँ, मेरे बेटे का भोगा। किसका बेटा? मेरा। तुम कहाँ जाए? कहाँ जाए? मैं ट्रैक पे जा रहा। मैं भी जाऊंगा। कब? ट्रैक्टर में। कब जाएगा? कल। कल? अच्छा ठीक है, जाएगा। कहाँ है? किसने रखी? मम्मी ने। बोलो मम्मी। और फाइनली मैं भी घर पे पहुंच ही गया और घर पे पहुंचते ही ना एकदम भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई और तेज़ हवाएं चल रही हैं। बाकी यार थोड़ा हाथ में धो लेता हूं, फिर खाना वगैरह खा लेते हैं। बाकी शिवांश, अंशिका, गोलू सभी लोग जा रखे हैं ओखी मठ और आज घर पे सिर्फ छोटू है, तो चलो हाथ में धो लेते हैं। और मौसम के हालचाल देखो भाई, चारों तरफ ना बिल्कुल काले बादल लगे हुए हैं और भयंकर वाली बारिश अब शुरू होने वाली है। वो तो अच्छा हुआ मैं भी दो चार मिनट पहले ना घर पे पहुंच गया, नहीं तो अभी तक मैंने भी रास्ते में ना पूरा भीगते हुए आना था। पूरा मौसम ऐसे ख़राब तो हो ही रखा था और अभी एकदम से बारिश शुरू हो गई और साथ साथ में ओले गिरने शुरू हो गए। एकदम से बारिश लगी और फिर धूप शुरू हो गई, ये कुछ सीन है। खाना वगैरह खा लेते हैं, बाकी टाइम तो लगभग एक तो बज ही गया। बाकी आज खाने में है कड़ी और कड़ी वैसे मेरी फेवरेट है तो कड़ी बना रखी है। तो खैर अभी मना कर रहा है कि खाना खाने के लिए, बाकी मैं खा लेता हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लगी रही है हल्की फुल्की। अभी वैसे हम लोगों ने बढ़िया कुंड में ब्रेकफास्ट किया था और अब खाना खा लेते हैं। सुजान भैया, हमारे घर में नहीं गया तुम्हें? किसने? तुम्हारे। कब? हमारे घर में सब आए थे। कब? कल। शाम के लगभग 3:30 हो गया है और मैं भी अभी जस्ट उठ ही रहा हूँ, बाकी चाय वगैरह भी पी ली है। अभी फिलहाल थोड़ा ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेता हूँ। अभी के नज़ारे कुछ ऐसे हैं चोपता वैली के। एक टाइम तो बारिश लगनी शुरू हो गई थी और फिर से अगेन धूप शुरू हो गई इस साइड से। क्या है ये? कल अभी रात के करीब 8 बज चुका है और मैं भी घर पे पहुंच गया था लगभग 12-1 बजे के करीब और उसके बाद अचानक से बहुत भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई, फिर मैं भी सो गया आराम से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।